हेलो, नमस्कार। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय ईडी एजुकेशन। एंड ईडी एजुकेशन पर यहां पर अब स्पेशल सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, खास तौर पर यूपी टेट के लिए, जो कि यूजफुल होगी और सभी टेट एग्ज़ाम्स और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट होगी आपके लिए। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। आज से हम पहला इसका सेशन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सी टेट के जो सभी लेक्चर्स हैं या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो भी सब्जेक्ट हैं उनके मटेरियल हो या फिर आपके एमसीक्यू सीरीज़ हो, वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। आप चाहे सी टेट के लेक्चर्स देखें या फिर एनआईओएस के लिए खास तौर पर तैयार किए गए कंप्लीट कोर्सेज़ को देखें। यहाँ ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको इन कोर्सेज़ में देखने ना मिले। आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं, आपको बेस्ट यूजफुल होगा। ओके, तो इनका लाभ आप ज़रूर लें, ये मेरा सजेशन है। एक बार विजिट कर लें यहाँ पर। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबाएं यहाँ पर और बेल बटन साथ में दबा लें, जिससे कि कोई भी लेक्चर का अपडेट आपसे मिस ना हो। ओके, और अनअकैडमी जो देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं एक वेरीफाइड प्लस एजुकेटर हूँ। यहाँ स्पेशल फ्री क्लासेस हों यहाँ पर या कोर्सेज हों, उन्हें आप देख सकते हैं। फ्री कोर्सेज भी हैं और बेस्ट जो आपके लिए है, अगर आप इस समय जुड़ते हैं तो आप इनमें से कोई भी प्लान चुन सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर। और इस समय अगर मेरा ये कोड इस्तेमाल करेंगे अमित अंडरस्कोर दीक्षित, तो आप 10% डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अपनी प्लान कीजिए और इसको चुन सकते हैं अनअकैडमी पर। ओके, सो आज से जैसा मैंने कहा कि हम शुरू कर रहे हैं यूपी टेट के लिए खास पीवाईक्यूज़, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज, क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज इसमें हम पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इनके डिस्कशन को भी मैं आपको समझाऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरह से क्वेश्चन समझने हैं और करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है वो ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। एक अच्छा क्वेश्चन, अनुच्छेदों को याद रखना अक्सर मुश्किल होता है, तो उस हिसाब से ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21A, जिसे हम आर्टिकल भी बोलते हैं, तो आर्टिकल 21A और बाकी आर्टिकल जो है 26, 15 एंड 45। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको चुनना है यहाँ पर बेसिकली। मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप मिलान करिएगा इनको, और आंसर इसका जो सही आंसर होगा, जस्ट अ मिनट, लेट मी चूज दी मार्कर। ओके, सो इसका जो सही आंसर होगा डी, अनुच्छेद 21A। ओके, आर्टिकल 21A इज द राइट आंसर। यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं ये चीज़ रखी गई थी कि प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 था उसको यहाँ पर एक तरह से आगे का प्रोसीड किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर है। इस तरह के अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आप याद रखें, मुश्किल होते हैं क्योंकि याद रखना इनको दिक्कत देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से व्यक्तित्व को सॉरी व्यक्ति को सॉरी निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। ओके, तो क्रैशमर जो थे उन्होंने, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्ति को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है वो क्या है उनमें से सही। कृशकाय, दुर्बल, दूसरा है शुडोल काय, तीसरा है गोल काय और चौथा है यह सभी। मेरा आपको सजेशन है कि इस तरह के प्रश्नों में इंग्लिश में जो लिखा जाता है उसको याद रखें, हो सकता है आपको वो जल्दी याद रह जाए और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इस चीज़ को, इस टिप को फॉलो करें। तो क्रैशमर ने जो यहाँ पर चार ऑप्शन बताए हैं और उनमें से हमको बताना है उन्होंने जो व्यक्तित्व, व्यक्ति को जो विभाजित किया है, इसमें आंसर होगा फोर्थ, यह सभी। ओके, यह सभी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। कृशकाय, दुर्बल, मैं आपको इंग्लिश के साथ में बताता हूँ, पहला जो था लेप्टोसोमिक, ओके, जो उन्होंने बताया था, दूसरा था एथलेटिक और तीसरा था पियनाइक। ओके, तो ये कुछ ऐसे नाम थे, इनको आप इंग्लिश में सर्च करेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे। अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ये जो सभी कैटेगरी हैं वो उन्होंने बताई थी। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर टेट
का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। टीईटी जो आपका एग्जाम है उसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस चीज का मापन करना है, आपकी बौद्धिक क्षमता का, आपकी अभिवृत्ति अभिक्षमता का, या आपकी अभिवृत्ति का, या चौथा है मूल्यों का। ठीक है, तो टीईटी जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इतने दे रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो टीईटी का उद्देश्य है यहां पर आपकी अभिक्षमता का मापन करना। ओके, ये होगा इसका सही आंसर बी। ओके, तो बी आंसर इसका सही होगा, अभिक्षमता, क्योंकि किसी विशेष विषय या क्षेत्र में क्या आपकी कौशलता है या अभिरुचि है, किस तरह की क्षमता है और किस तरह का ज्ञान आपने लिया है, उसको परखने के लिए कहीं ना कहीं आपकी अभिक्षमता को टेस्ट किया जाता है। ये इसका सही उत्तर होगा। अब आप जान गए हैं कि आप टेट में आपको क्यों परखा जाता है। अच्छा क्वेश्चन। अगला है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संगणन, ओके, संगणन का जो सिद्धांत है, ऑप्शन दिए गए हैं अधिगम की, दूसरा है स्मृति, तीसरा है अभिप्रेरणा और चौथा है सृजनात्मकता। तो संगणन का जो सिद्धांत है वो इनमें से जो जिसकी व्याख्या करता है वो है मेमोरी, स्मृति की व्याख्या करता है ये, क्योंकि जो इसके बारे में जो तथ्य है वो ये है कि जो प्रारंभिक अधिग्रहण के बाद मेमोरी के ट्रेस जो होते हैं उनको ये सिद्धांत बताता है कि स्थिर करता है। समेकन को सिनाप्टिक समेकन से भी अलग किया जाता है, जो देर के चरण दीर्घकालीन समाधान का पर्याय बन गया है। अब इसको थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखें कि संगणन का सिद्धांत कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी की जो ट्रेसिंग है उससे संबंधित है, यानी कि हम किस तरह से अलग अलग जानकारियों को स्मृति में समायोजित करते हैं या समेकन करते हैं उनका, वो उस चीज़ से संबंधित है। अब ज़्यादा डिटेल हम यहाँ नहीं समझेंगे, पर आप इस सिद्धांत को अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, सर्च करिएगा, और आप मुझे भी बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं इसको अलग से समझा दूंगा। आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसके नीचे। ओके, तो स्मृति इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ओके, तो अंतः दर्शन, दूसरा है वही दर्शन, बाहर दर्शन, बाहर दर्शन, बाहर दर्शन जो होता है यहाँ पर वही लिख गया है ये, बाहर दर्शन, तीसरा है अवलोकन और चौथा है प्रायोगिकरण। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञानों को के अंतर्गत जो सर्वाधिक वृष्टि व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो है अंतरदर्शन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतरदर्शन मतलब व्यक्तिनिष्ठ विधि है, आत्मदर्शन से संबंधित है, और आत्मनिरीक्षण खुद के बारे में व्यक्ति का क्या एक पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बात करती है। तो बहुत सिंपल आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित थे। आसान होगा, अगर पढ़ा होगा तो जरूर आसान होगा, अदरवाइज एक अच्छा क्वेश्चन है ये। अल्बर्ट बंडूरा बहुत ही फेमस हैं और इसके क्वेश्चंस काफी मिलते हैं, यूपी टेट में भी देखने मिले हैं, बाकी टेट में भी मिल ही जाते हैं। ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारवादी का सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जो चौथा यहाँ पर लिया गया है वो है यहाँ पर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा जो सबसे ज्यादा फेमस थे, आपको मैं बता दूं, वो थे अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। तो ए इसका राइट आंसर होगा, इसको डिटेल में आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह सामाजिक शिक्षा सिद्धांत को मानते थे और सामाजिक शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकन, अनुकरण, मॉडलिंग के महत्व पर वो हमेशा बल देते थे, उनका ये कहना था। ठीक है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है एवरीवन। आई होप आप लोग समझते जा रहे हैं और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते जाइए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो ज़रूर पढ़िए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आप लोगों के लिए ज़रूरी होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है, इसका आंसर आपको बताना है, परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, या अभिरुचि के कारण। तो देखिए, अधिगम करते समय जब हम पढ़ रहे सीखते हैं तब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब सीखने की क्रिया की उन्नति बिल्कुल रुक जाती है, यानी कि एक लर्निंग डेवलपमेंट रुक जाता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं अधिगम पठार। ओके, तो रॉस जो थे उनके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में ये बहुत ज़रूरी है, और सीखने की क्रिया में अगर कोई उन्नति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये एक तरह की थकान का कारण, हम इसको अगर जोड़ने का कोशिश करें तो उससे जुड़ेगा, इसलिए और कुछ छोड़कर यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा सी, थकान के कारण एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें, बाकी तो सब पॉजिटिव हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां प्रश्न, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु उपयुक्त होता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दर्पण चित्र परीक्षण, अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है अभिरुचि। तो दर्पण चित्र परीक्षण जो होगा वो एक मनोवैज्ञानिक तकनीक थी, और एक मनोवैज्ञानिक तकनीक के तौर पर इसका प्रयोग होता था जो कि अधिगम की प्रक्रिया को से संबंधित थी कहीं ना कहीं। तो व्यक्तित्व के क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम किस तरह से समन्वय करते हैं, तंत्रिका मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें जो आंसर यहाँ पर होगा वो होगा बी, अधिगम अंतरण से जुड़ी हुई जिस चीज़ थी। डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी है, इस तरह के परीक्षणों पर काफ़ी प्रश्न यूपी डेट में देखने मिलेंगे आपको। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर 9th नंबर का क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु उपयुक्त होता है। तो ये जो मेमोरी टेस्ट हैं, इस तरह के जो परीक्षण किए गए हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो उन पर खास फोकस करें। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन हेतु उपयुक्त होता है, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि या फिर अभिक्षमता, चार ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो क्लाउड मैप जो टेस्ट है वो यहाँ पर यूज होता है व्यक्तित्व के मापन के लिए। ओके, सेकेंड होगा इसका ऑप्शन। इसमें तनाव, प्रदर्शन परीक्षण, कार्यात्मक परीक्षण, कई तरह के ऐसे चीज़ों को आधार बनाकर हम बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। सो इट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ज़रूर इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर किसी खास चीज़ को आप समझना चाहेंगे, अगर आपके कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं उसको ज़रूर अलग से समझाऊँगा आपको। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, इनमें से कौन सा है जो इन बाकी चारों में से भिन्न है, अलग है, TAT, ओके, दूसरा है 16 PF, तीसरा है रेवन का परीक्षण और चौथा है ड्रॉ अ मैन परीक्षण। ये अपने आप में सभी परीक्षण हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है इनमें से। तो यहां पर जो चारों ऑप्शन है उनमें से जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा सी, जो रेवन का परीक्षण है वो इन अन्य विकल्पों से मेल नहीं खाता है, बाकी कनेक्टेड है। क्योंकि रेवन का जो परीक्षण है वो वर्बल या नॉन वर्बल जो एटीट्यूड है, ठीक है, एप्टीट्यूड है, उसको मापने के लिए यूज़ होता था। बाकी सभी जो हैं वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, तीनों जो हैं इसके अलावा। तो ये एक डिफरेंट है कैटेगरी में और यही इसका आंसर होगा। तो ये चारों चीज़ें आप ऑप्शन में दी गई आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चन को बना पाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, सो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको बेस्ट लगा होगा। आप ज़रूर आगे के देखते रहिए, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं, और बेल बटन दबा दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, उससे आपसे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और आगे चलेंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस, एंड रिमेंबर अनअकैडमी पर अगर इस समय आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट यहाँ किसी भी कोर्स पर ले सकते हैं। तो जरूर इस बेनिफिट को लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। एंड सी यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।